बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, न्यूमेरिकल नंबर 12, चैप्टर नंबर 2, द टॉर्क और टर्निंग फैक्टर ऑफ अ फोर्स अबाउट अ गिवन पॉइंट इज गिवन बाय आर क्रॉस एफ, वेयर आर इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो ये तो यहाँ तक तो हमें जस्ट टॉर्क को डिफाइन किया गया है। इससे आगे है, कंसीडर अ फोर्स एफ माइनस 3i प्लस जे प्लस 5k न्यूटन एक्टिंग ऑन अ पॉइंट 7i प्लस 3j प्लस k, यानी ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रही है, और ये डिस्टेंस जो है वो मीटर में गिवन है। तो हमने टॉर्क फाइंड करना है न्यूटन मीटर्स में अबाउट द ओरिजिन। तो हमारे पास डेटा है फोर्स और उसके साथ साथ पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ पे हमने मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क अबाउट ओरिजिन फाइंड करना है, और हमारे पास जो टॉर्क का फार्मूला है वो है आर क्रॉस एफ। तो सबसे पहले मैं इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करता हूँ। आर आ गया 7i प्लस 3j प्लस k, और ऐसा से एफ हमारे पास आ गया माइनस 3i प्लस जे प्लस 5k। तो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट मेथड जो है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे 3/3 का एक डिटर्मिनेंट लिख दिया। सबसे पहले पहली रो में आई जे और के लिखते हैं, दूसरी रो में आर लिखेंगे। आर चूंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट पहले है तो आर के कंपोनेंट्स 7, 3 और 1 आ गया, और इस तरह से थर्ड रो में एफ के कंपोनेंट्स -3, इस तरह से 1 और ये 5 आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के लिए हम रो 1 यूज़ करेंगे आई जे और के। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो मैंने इसी डिटर्मिनेंट को यहाँ से ये इस शक्ल में ड्रा कर लिया दोबारा से। तो सबसे पहले हमने पहली रो और पहला कॉलम स्किप करना है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ये यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो ब्रैकेट के बाहर मैं आई लिखूंगा। बाकी हमारे पास जो इसकी एंट्रीज बच गई वो ये वाली हैं जिनके ऊपर लाइन नहीं है। तो पहले ये मेन डायगोनल जो है यहाँ पे 3 × 5 आएगा, यहाँ पे देखें आप 3 × 5, फिर फार्मूले के अकॉर्डिंग दरमियान में माइनस आ जाएगा, उसके बाद जो बाकी रह गया 1 × 1 यहाँ पे आ गया 1 × 1, तो ये एक हिस्सा हो गया। अब दूसरे हिस्से में पहली रो और दूसरे कॉलम को स्किप करना है। इस तरह से पहले हमने पहली रो और पहले कॉलम को स्किप किया था, अब पहली रो और दूसरे कॉलम को स्किप करना है, और यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं ये जे पे, इसलिए ब्रैकेट के बाहर हम जे लिखेंगे, और यहाँ पे ये वाली एंट्रीज बच गई हैं। तो यहाँ से पहले इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनल में 7 × 5, यहाँ पे आ गया 7 × 5, उसके बाद 1 × -3, तो ये आ गया 1 × -3। इन द सेम वे हम पहली रो और थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे, और यहाँ पे आ गया हमारे पास के, तो इसके लिए हम बाहर ब्रैकेट के लिखेंगे, और ये वाली एंट्रीज हमारे पास अब बच गई। तो इसमें 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरह से 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब सॉल्व करेंगे 3 × 5 = 15 -1, इस तरह से 35 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 35 + 3 और लास्ट में 7 + 9 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ गया टॉर्क 14i माइनस 38j प्लस 16k, और जो कि यूनिट मेंशन थे न्यूटन और ये है मीटर, इसलिए यहाँ पे यूनिट आ गया न्यूटन मीटर। तो ये हमारे पास आ गया टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स एक्टिंग एट दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन।